नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक और विज्ञापन के साथ, ओरिजिनल विज्ञापन के साथ हाजिर है। और यहाँ पे आपको विद्युत विभाग में कुछ वैकेंसी निकले हुए हैं जो बीकॉम कर रखे हैं उन अभ्यर्थी के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश की तरफ से असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। आप देखेंगे टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो यहाँ पे 79 है UR में, फिर EWS में 18 है, OBC में आपके 47 है, अनुसूचित जाति में 37 और अनुसूचित जनजाति में 5 है। बाहर वाले स्टेट इसको जनरल के तौर पे लेंगे, यानी कि आप इसी श्रेणी में आएंगे और बाकी यूपी वाले को यहाँ पे आरक्षण मिल जाएगा। चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। लेवल 5 की जॉब है, यानी कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में 50,000 के अराउंड आपको सैलरी मिल जाती है। और अगर हम बात करें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो बी कॉम रखा गया है, बी कॉम वाले ही कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। एज की बात करें तो 21 से 40 रखा गया है जनरल कैंडिडेट को, और यूपी वाले को एज रिलैक्सेशन जो भी मिलती है, ओबीसी वगैरह ये सब चीज़ें वो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो सीबीटी के आधार पे होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि 50 नंबर के 0 लेवल के जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जैसे इंटरनेट का हो गया, एमएस वर्ड, एमएस मतलब कि छोटे मोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वही 50 नंबर के होंगे, जो कि आपको इसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य है। इस पे मेरिट नहीं बनेगा, इस नंबर पे आपको मेरिट नहीं बनेगा, यानी कि जो मेरिट बनेगा वो आपके एक और पेपर होगा, सेकेंड भाग है। द्वितीय भाग जो होगा वो आपके भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, जिसमें कि हिंदी इंग्लिश पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा एक सेक्शन में, फिर अर्थमेटिक मैथ्स रहेंगे, उसके बाद अकाउंटेंसी ऑडिटिंग वगैरह का जो प्रॉपर उसका सिलेबस होता है वो रहेगा, सिलेबस इस पे दे रखा है। यानी कि 50 50 50 नंबर, यानी कि 150 नंबर पे ही आपके जो है वो आप कह सकते हैं कि मेरिट बनेगा। एक क्वेश्चन पे एक नंबर मिलेगा, और अगर गलत करते हैं तो 1/4 आपके लॉस हो जाएंगे, यानी कि निगेटिव यहाँ पे रखा गया है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो अकाउंटेंसी में आप देख सकते हैं, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर डिटेल में इसको देख लीजिएगा। और अगर अगर आगे हम बात कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि कंप्यूटर का ज्ञान जो होगा उसका जो नंबर है वो मेरिट में नहीं बनेगा, यानी कि जो 200 नंबर में 50 नंबर सिर्फ पासिंग होगा, और यहाँ पे 50% में, यानी कि 25 नंबर आप लाएंगे तो आगे वाला जो है वो आपका काउंट होगा, यानी कि मेरिट आपके 150 नंबर पर ही बनेगा। चलिए, और ये आपका इस तरीके से दे रखा है कि कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगा, जितने भी वैकेंसी है उसके दुगने लोगों को बुलाया जाएगा। और आपके जो परीक्षा होगा वो लखनऊ, आगरा वगैरह में यहाँ पे दे रखा है कहीं पे, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। तो यानी कि आपके यूपी में ही मेजर जो सिटी है, लखनऊ, आगरा, कानपुर वगैरह, यही सब जगह आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर हम बात करें और भी चीज़ों की, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कितना पैसा लगेगा। आवेदन शुल्क जो है वो 826 रखा गया है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए। बाकी जो आपका यहाँ पे देखिएगा अनारक्षित यानी कि UR के लिए 1180 रखा गया है, और 12 रुपये प्रति आवेदन GST आपको लगेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो और भी क्या कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे आपका और भी मैं देख लेता हूँ परीक्षा वेबसाइट, हाँ, कहाँ से जाके आपको ये सब चीज़ फॉर्म भरना है, तो ये वाला वेबसाइट दे रखा है www.upcl.org। यहाँ पे देखिएगा, इस वेबसाइट पे जाके ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। बाकी आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऑनलाइन जो आवेदन पत्र है पूर्ण करने की तिथि, यानी कि कब से कब तक होगा, 8/11/2022 से 28/11/2022 तक आप इसको भर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को। ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम है वो संभावित है जनवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन ही आप इसका जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी चालान के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन है, बट आप ऑनलाइन ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का रूल दे रखा है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, ज़्यादा बच्चे भरेंगे तो ज़्यादा शिफ्ट होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन का रूल दे रखा है। तो आशा करते हैं इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। कोई भी अपडेट होती है तो मैं और भी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, एक जेन्युइन आप कह सकते हैं वैकेंसी के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए जय हिंद।